हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे बीए बीकॉम बीएससी वार्षिक एग्ज़ाम एनुअल एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कैसे करें, क्योंकि दोस्तों लगभग आपके पास एक महीने के आसपास का 15-20 दिन का ही आपके पास समय है और इस कम से कम समय में आपको पास करना है, क्वालिफाई करना है। यदि आपने साल भर पढ़ाई नहीं किया है, प्राइवेट के स्टूडेंट है, रेगुलर के स्टूडेंट है, तो आप 15-20 दिन के पढ़ाई में कैसे पास हो सकते हैं, इस वीडियो में आपको टिप्स बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, आंसर राइटिंग कैसे कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर कहां से निकालना है और कैसे प्रैक्टिस करना है। पूरा डिटेल्स इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन जितना हो सके अपने तरफ से मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इसके लिए वीडियो पर अंत तक बने रहिए। देखिए, सबसे पहले ना अपन टाइम टेबल के ऊपर डिस्कस कर लेती हैं। देखो, छत्तीसगढ़ स्टेट की बात की जाए तो दुर्ग यूनिवर्सिटी हो गया, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी हो गया, इनका टाइम टेबल रिलीज हो चुका है। और कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ में जिनका टाइम टेबल अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट में मेंशन नहीं है। तो कब उनका टाइम टेबल रिलीज होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो मैं आपको बता दूं कि 10-15 दिन के अंदर, हो सकता है कल ही रिलीज हो जाए, 5-6 दिन बाद रिलीज हो जाए। टाइम टेबल ना फरवरी के एंड से पहले रिलीज हो जाएगा। 5-10 दिन के अंदर छत्तीसगढ़ के सारे यूनिवर्सिटी का लगभग टाइम टेबल आ जाएगा। अब बात करती हैं कि आपका एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है सारे यूनिवर्सिटी का, छत्तीसगढ़ का, चाहे बीए, चाहे बीकॉम, चाहे बीएससी, चाहे प्राइवेट के स्टूडेंट हो, चाहे रेगुलर के स्टूडेंट हो, आप सभी का जो एग्ज़ाम है मार्च में कंडक्ट कराया जाएगा। 100% से और 100% गारंटी है कि मार्च में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। किसी यूनिवर्सिटी का हो सकता है कि 1 मार्च से कंडक्ट कराया जाए, हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी का 5 मार्च से कंडक्ट कराया जाए, यानी कि अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग डेट पर अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है। लेकिन इतना गारंटी, इतना कंफर्म हूँ, इतना श्योर हूँ कि मार्च में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, चाहे मार्च के किसी भी तारीख को हो। उम्मीद करता हूँ टाइम टेबल को लेकर आपको एक बेसिक आइडिया हो चुका होगा। टाइम टेबल के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, आप ये सोचिए 15-20 दिन का समय बाकी है, तो कैसे इसमें आपको बेहतर करना है, कैसे इसमें आपको बेटर से बेटर परफॉर्म करना है, कैसे आंसर राइटिंग करना है, कैसे पढ़ना है, इसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में 2023 में, उसमें देख सकते हैं कितने लोग को सप्लीमेंट दिया गया था, भारी से भारी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर फेल देखने को मिले थे, समझ पा रहे हो। उसके बाद डबल सप्लीमेंट्री दिया गया, तो ऐसा नौबत यार आपके ऊपर ना आया, इसलिए अभी से आप तैयारी में भिड़ जाए। भाई सच बता रहा हूँ यार, पास होना बेहद ज़रूरी है। चलिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, देखिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाना है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई करते हो। देखिए, मैं यहाँ पर जो भी जानकारी बता रहा हूँ ये प्राइवेट स्टूडेंट रेगुलर स्टूडेंट दोनों के लिए है, तो आप ये मत सोचिए कि भैया आप रेगुलर का बता रहे हो कि प्राइवेट का, भाई दोनों के लिए, दोनों के लिए वही पैटर्न है, वही क्वेश्चन पेपर दोनों का आता है, सेम टू सेम, तो दोनों के लिए रूल है। ओके, देखिए आपके पास बहुत कम समय बाकी है, 15-20 दिन का समय बाकी है, और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने साल भर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है या थोड़ी बहुत पढ़ाई की है। इस सिचुएशन में कैसे आपको पास होना है 20-15 दिन के अंदर, ये टिप्स आपको बता रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मार्केट में जाना है और आपको प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर प्रश्न बैंक आपको परचेस करके ला लेने हैं। यदि आप मार्केट में जाकर क्वेश्चन पेपर नहीं खरीद रहे हो तो आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाना, वहाँ पर प्रीवियस 3-4 साल का क्वेश्चन पेपर होता है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। मेरा सजेशन, मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि आप मार्केट में जाइए और प्रीवियस ईयर 5 साल का क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन बैग आप खरीद कर ला लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, मार्केट से इस प्रकार का अजय माला का आता है ना, अजय माला का, चाहे आपका राजनीतिक हो, इतिहास हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, सारे सब्जेक्ट का ऐसा अजय माला आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। तो आप सारे सब्जेक्ट का अजय माला मार्केट से खरीद के ला लीजिए, इसमें सभी प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। इसको खरीदने से फ़ायदा ये है कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर में जितने भी सारे क्वेश्चन आए होती हैं, चाहे अलग अलग यूनिवर्सिटी से, सारे यूनिवर्सिटी का नाम बाजू में मेंशन होता है और कौन कौन सा क्वेश्चन कितने बार रिपीटेड है, सारा इसमें दिया होता है। ओके, तो ये आप परचेस करके ला लीजिए। अब आपको करना क्या होगा, देखिए भाई, सबसे पहले ना मैं बीए वाले स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, उसके बाद मैं बारी बारी से बात करूँगा बीकॉम बीएससी। तो बीए वाले स्टूडेंट के लिए यही है कि 5 साल का क्वेश्चन पेपर आप मार्केट से खरीद के ला लीजिए, उसके बाद इस प्रकार से अजय माला आप खरीद लीजिए। ये प्रॉपर बीए का ही है, बीए का, सोशोलॉजी का है, हिंदी का है, ओके, सारे सब्जेक्ट का बीए का यहाँ पर है। तो मार्केट से आप खरीद के ला लीजिए प्रीवियस 5 साल का क्वेश्चन पेपर। उसके बाद आप क्या कीजिए, उन क्वेश्चन पेपर को, आप सभी 5 साल के क्वेश्चन पेपर को आप बारीकी से रीड कीजिए
और बारीकी से रीड करने के बाद कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है उसको आप इसमें से खोजिए और इस पर टिक मार्क कीजिए। टिक मार्क करने के बाद उसको आप अच्छे तरीके से हेडिंग को पढ़िए, सिर्फ आपको हेडिंग पढ़ना है और थोड़ा अंदर का डिटेलिंग पढ़ना है, उसके बाद आपको अपने शब्दों में जवाब देना है। तो इसके लिए आप इस प्रकार का आंसर शीट मार्केट से खरीद लीजिए, 5-10 रुपये में आंसर शीट आता है, सेम यही आपको यूनिवर्सिटी में दिया जाता है। ठीक, इतना करने के बाद आप उस आंसर को अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए कम समय में, ओके। उसके बाद आप फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन खोजिए जो ज़्यादा बार रिपीट है, उनको आप फिर से इसमें सर्च कीजिए, देखिए कहाँ पर है, उस टॉपिक को आप थोड़ा पढ़िए, टॉपिक को पढ़ने के बाद अपने शब्दों में किस प्रकार से जवाब दे सकते हैं ये आप सोचिए और वापस इसमें तुरंत लिखने भिड़ जाइए। ऐसे करने से आपका प्रैक्टिस भी होगा। इसी प्रकार बीएम जितने भी सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश को छोड़कर, इंग्लिश के ऊपर सेपरेट वीडियो मैं लाऊंगा भाई, वो बहुत मतलब अलग रहता है ना हिंदी मीडियम वाले के लिए, इंग्लिश कैसे क्या है क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सप्ली आए थे पिछले बार इंग्लिश में, है ना, तो उसके ऊपर सेपरेट वीडियो लाऊंगा, टेंशन मतलब मेरे ऊपर छोड़ दो, जैसे बोलो भाई वैसे ही करो। और बता रहा हूँ बीए के पेपर में पास होने होना ना भाई, सच बता रहा हूँ बेहद आसान है, बेहद आसान है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और 15-20 दिन भी आप थोड़ा मेहनत कर ले बीए के एग्ज़ाम में निश्चित रूप से क्वालिफाई कर लोगे, पास हो जाओगे। और हाँ, सेकंड टिप्स और बता रहा हूँ बीए एग्ज़ाम के लिए कि आपको जितनी भी कॉपियाँ मिलती है, हो सके 26 पेज की, 27 पेज की, 30 पेज की, 32 पेज की, तो कोशिश कीजिए कि आप उसमें से कम 15 पेज जरूर भर के आए, कम से कम 15 पेज जरूर लिख के आए भाई, सच बता रहा हूँ। अगर आप ऐसा करते हो निश्चित रूप से आप पास हो सकते हो, और ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हो, आप वो जैसे क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को 5 से 6 बार पढ़िए, और 5 से 6 बार पढ़ने के बाद उसके बारे में आप आइडिया सोचिए कि ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार किसके किसके कारण हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार के क्या कारण थे, ये क्वेश्चन आ गया। अब इसके बारे में आप सोचिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वार क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, तो वर्ल्ड वार युद्ध 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 दिमाग में बार बार घुमाइए, युद्ध से रिलेटेड आप 5 से 6 की पॉइंट निकालिए और मस्त उसको एक पन्ना भर के लिख डालिए। ऐसा अगर आप सभी क्वेश्चन में अप्लाई करोगे ना भाई, उत्तर लिखने से पहले प्रश्न को 5 बार पढ़िए और 10-15 बार आप सोचिए कि कैसे कैसे इसको जवाब दे सकते हैं, किन किन वर्ड से टॉपिक बना सकते हैं। आपको बीए एग्जाम में भाई टॉपिक बनाना इंपॉर्टेंट, यदि आप हेडिंग बनाना सीख गए ना भाई, फिर उसके अंदर का डिटेलिंग आप अपने शब्दों में कीजिए, समझ गए, इतना कीजिए, और कॉपी को आप ज़्यादा से ज़्यादा भरने पर भी फोकस कीजिए, निश्चित रूप से आप पास क्वालिफाई कर जाओगे, मेरा गारंटी है, सच बता रहा हूँ, ओके। चलो बीए के बारे में तो बात कर ली, देखिए भाई अब आते हैं बीएससी के बारे में। देखो बीएससी में क्या होता है, मैथ्स होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, तो इसमें ना भाई ऐसा नहीं कि बीए के जैसे आप अपने शब्दों में लिख दो, ऐसा बिल्कुल नहीं चलता यार कि बिना पढ़े लिखे हो जाए। बीएससी में भाई आपको थोड़ा अच्छा पढ़ना पड़ता है, साफ बता रहा हूँ, थोड़ा टाइमिंग देना पड़ता है। तो यदि आप पढ़ाई अभी तक स्टार्ट नहीं की हो तो आज से भाई आपको 5-6 घंटा ना दबा के पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ प्रीवियस ईयर 5 साल का क्वेश्चन पेपर खरीद के ला लीजिए और उनमें से जितने भी सरल टाइप के क्वेश्चन दिखे उनको आप इसमें टिक मार लीजिए। अब देखिए भाई बीएससी ऐसा सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इसमें से आपको समझ शायद ही आए क्योंकि टीचर होता है सामने में तब समझ में आता है। इसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर 5 साल क्वेश्चन पेपर खरीद के ला लीजिए इस तरीके से, ठीक, 5 साल का आंसर लाएगा। उसके बाद क्या कीजिए, उन सारे क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन को जो बार बार रिपीटेड हुए हैं ना, बार बार रिपीटेड हुए, उन्हीं के एक पेज में पूरा लिख डालिए। लिखने के बाद YouTube में सर्च कीजिए, जैसे बर्नौली का थ्योरम हो गया, मान के चलते बर्नौली थ्योरम हो गया, प्रूफ कीजिए, बर्नौली थ्योरम को लिखिए और प्रूफ कीजिए, तो YouTube में सर्च मान लें बर्नौली का थ्योरम तो आ जाएगा। उसके बाद आप सरल से सरल YouTube चैनल में जो एकदम सिंपली लैंग्वेज में लिखवाया होगा शॉर्टकट में, उस चैनल को फॉलो कीजिए और उस प्रश्न का उत्तर जैसे यूट्यूबर बता रहा है उसको समझिए तुरंत, और तुरंत कॉपी में लिख डालिए। कॉपी में लिखने के बाद आप क्या कीजिए, जैसे रात होगा शाम को जितना टाइम आप बोरियस फील करोगे, उस प्रश्न का उत्तर आप अपने शब्दों में जैसे वहाँ पर पढ़े थे उसको लिखने की कोशिश करना। फिर सेकंड क्वेश्चन यूट्यूब पे सर्च मारना फिजिक्स का, उसके बाद फिर से कौन से क्वेश्चन जो आप बार बार रिपीटेड हुए थे उसको इसमें लिख चुके थे, हो सकता है भाई 30-35 क्वेश्चन ही बार बार रिपीटेड वाला आपको मिले, उन्हीं 30-35 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को अगर आधा आधा घंटा दोगे ना, एक एक क्वेश्चन को आधा आधा दिन में आप कम से कम 15-20 क्वेश्चन लिख डालोगे, 2 दिन में फिजिक्स का तैयारी आपका हो जाएगा। उसके बाद आप बस आपको रिवीजन करते जाना है। इसी प्रकार आप मैथ्स का भी कीजिए, केमिस्ट्री का भी कीजिए,
कुछ नहीं करना है, सिंपल लॉजिक भाई। प्रीवियस ईयर 500 जितने रिपीटेड होंगे 15 20 30 35 क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे, मस्त। उनको लिखिए नोट्स में, यूट्यूब में प्रॉपर सर्च कीजिए, समझ का समझ भी जाओगे अच्छा लैंग्वेज, और नोट्स का नोट्स बन जाएगा, कम समय बन जाएगा। इतना करो भाई, डेडिकेट रूप से पास हो जाओगे, सच बता रहा हूँ। सेम यही रूल बी कॉम वाले स्टूडेंट के लिए, बी कॉम वाले स्टूडेंट भी प्रीवियस ईयर 5 साल का क्वेश्चन बैंक खरीदिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पेज में लिख डालिए, यूट्यूब में मस्त सर्च कीजिए, हर क्वेश्चन को आधा आधा घंटा दीजिए, याद का याद हो जाएगा, यूट्यूब का यूट्यूब में अच्छा क्लियर समझ जाओगे, जरूर पास हो जाओ, सच बता रहा हूँ। और बता रहा हूँ, हो सकता है एग्जाम हॉल में आप बैठेंगी और किन्हीं प्रश्न का आंसर आपको नहीं आएगा, तो आपको कोई भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, अगर नहीं भी आ रहा तो क्वेश्चन 4-5 बार दबा के पढ़िए, अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, और उसके बाद आप सोचिए कि इसका आंसर मैं किस तरीके से दे सकता हूँ, अपने शब्दों में आप या लिखने की कोशिश कीजिए, छोड़िए केवल, क्योंकि खाली छोड़ने से, इस तरीके से खाली छोड़ने से 100 गुना बेटर है भाई कि आप इसमें कुछ लिख के आए, क्योंकि खाली छोड़ने से चेकर तो नंबर देने वाला नहीं है, तो हो सके कुछ लिख के आ जाए। कुछ लिखने का मतलब है अपने इस बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, बहुत बड़ी दिमाग है, बहुत बड़ा बुद्धि है भाई, सोचिए कुछ तो कुछ दिमाग में चलेगा ना क्वेश्चन के बारे में, उनको लिख के आ जाए, कभी 7-8-10-15 लाइन लिख के आ जाइए, बीए वाले स्टूडेंट कम से 15-20 लाइन लिख के आ जाइए भाई, उस प्रश्न रेट खाली छोड़ने से 100 बेटर गुण है कि आप कुछ लिख किया भाई, आप कुछ नंबर चेकर मार्क्स देके जरूर आएगा, क्योंकि चूंकि आपकी जो कॉलेज की कॉपी चेक होती है यूनिवर्सिटी की, उनको 3-4 मिनट का समय दिया जाता है, 2.5 मिनट का समय दिया जाता है लगभग, उसमें वो क्या देखते हैं, सिर्फ आपका राइटिंग पर फोकस होता है और आप कितना पेज भरे हो इसको चेकर जरूर देखता है, सबसे पहले राइटिंग को देखता है, मस्त ऐसे चेक करते जाता है, फिर वो शुरू में ही देख लेता है कितना पेज बच्चा भरा है, कितना पेज ये बंदा बंदी भरे हैं, फिर वो चेकर को अंदाजा होता है इसमें खूब मस्त बढ़िया लिखा है, अच्छा खासा भरा है, तो आपको मार्क्स देते चले जाता है। और राइटिंग अच्छा बनाइए, टॉपिक बना के लिखिए, हाईलाइट करते जाइए, कोई फैल नहीं करे, अच्छा नंबर ला पाऊँ, सही बात। यही टिप्स मैं अपनी बहन को बताया था और निश्चित तो फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए भैया बीए फर्स्ट ईयर के एग्जाम में, और वो 15 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट की थी, और इस बार भाई मेरी बहन प्राइवेट दिला रही है, तो उसके लिए सब चीज़ मैं लाया हूँ, और महज 20-25 दिन के अंदर पढ़ना स्टार्ट करिए, मेरे टिप्स को फॉलो करना चालू किया, निश्चित रूप से इस बार भी वो पास हो जाएगी, दावा है, सच बता रहा हूँ। बिल्कुल पढ़ाई लिखा नहीं की, साल भर से अलग काम में व्यस्त रहती है, तो देख उन्हीं के लिए लाया हूँ और वही टिप्स आपको शेयर करो, सोचिए भाई कोई भाई यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, और सच भाई देखो, और मेहनत करोगे ना भाई, कोशिश करोगे ना भाई, तो 5-10 दिन क्या भाई, आपके लिए 5 दिन भी बचा होगा ना, आप फोड़ के आ जाओ, सच बता रहा हूँ भाई, अंदर से पैसा होना चाहिए, करना मतलब करना है, और एग्जाम आ रहा है, कम से कम 10-12 घंटा दबाव कर लोगे ना भाई, ये सोचिए ना कि साल भर अपन पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है, मस्त पास होना हमारा सपना है, पास होना है भाई, सेकंड ईयर पहुंचना है, तो अगर फाइनल ईयर में है तो पास होना है भाई, ताकि गवर्नमेंट जॉब का CGPSC के फॉर्म वॉर्म फिल, ऐसे मोटिवेट कीजिए और सोचिए साल भर पढ़ाई नहीं की, तो कम से कम अब भाई 15 दिन एग्जाम बचा है, 10-12 घंटा भाई जो मैं बता रहा हूँ उसको करना मतलब करना, ऐसा सोचिए और कंसिस्टेंसी मस्त फॉलो कीजिए, एकदम तगड़ा रिजल्ट लेगा, सच बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में भाई बस यही आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला था, और जो भी डाउट होगा, जो भी कमेंट होगा, कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कीजिए, टाइम मिलने पर रिप्लाई दूंगा, ये मेरा कोचिंग रूम में बैठा हूँ भाई, और करीब 9 बजे के आसपास वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, समय नहीं मिलने की वजह से यार मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ यूट्यूब पर, लेकिन यार कमेंट आप लोग का ऐसा प्यारा प्यारा आया कि मन कर दिया आज को चलो बनाना है भाई, आज थोड़ा लेट हो जाऊंगा, ठीक है। और इंग्लिश के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश के ऊपर यार बहुत सारा चीज होता है ना, कि कई लोग को इंग्लिश में बहुत दिक्कत होता है, तो इसलिए ना उसका अलग से बताऊंगा, कुछ भी एंटोनिम्स इंटोनिम्स हो गया, क्वेश्चन आंसर कैसे लिखा जाता है, मतलब अलग से मस्त ऐसे पेन कॉपी में लिख के बताऊंगा। ओके, चैनल पर ना सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और कोई भी यार डीमोटिवेट मत हो, लाइफ बहुत बड़ी है, जिंदगी बहुत बड़ी है भाई, थोड़ा पढ़ाई कीजिए, लाइफ में इंजॉय कीजिए, और थोड़ा भाई अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, फ्यूचर में क्या करना है उसके बारे में आप अलग अलग तरीके से नॉलेज लीजिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते उसकी तैयारी कीजिए, और अलग से आप या स्किल सीखिए, कंप्यूटर चलाना सीख जाइए, इंग्लिश स्पोकन आप अच्छा सीख जाइए, मतलब मैं ये कहता हूँ कि नौकरी की तैयारी करते रहिए उसको, लेकिन आप अपने लिए यार कुछ स्किल सीख के जरूर रखिए, क्योंकि जब नौकरी ना मिले तो आपका वो स्किल काम आए आपको पैसा कमाने के लिए। आई होप भाई वीडियो समझ में आया होगा, बहुत बोल दिया भाई है ना, इसके लिए सॉरी, और कोई भी दिक्कत होता है यार मेरी तरफ से कोई गलती होगी कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, जैसा वीडियो चाहिए जो सब्जेक्ट पर चाहिए कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, मिलते हैं यार अगली वीडियो में।